हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। बालक के भाषा विकास के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका, भाषा की कक्षा कैसी हो, यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षाओं में मैक्सिमम आते हैं। और बिलीव करिएगा, 6 से 7 प्रश्न प्रत्येक पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। आपको हिंदी हो गया, संस्कृत, इंग्लिश, मतलब यहाँ से प्रश्न, भाषा की कक्षा से प्रश्न आपके परीक्षाओं में आते हैं। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मैं कीवर्ड मैं आपको बताऊं कि बालक को, भाषा शिक्षक को, बालक को अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। बिल्कुल, भाषा शिक्षक इस तरह से हो कि अधिक से अधिक बालक को क्या दे, अवसर दे। ये कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। और देखिएगा, मैं आपको बताऊं, उद्दीपक परिवर्तन कौशल का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, सभी पॉइंट को मैं लूंगा। उद्दीपन परिवर्तन कौशल का मतलब क्या हुआ? बालक को बताया जाता है नदियां, तो नदियां मतलब एक झरना, छोटा मतलब ये, देखिए उद्दीपक छोटा बड़ा मतलब ये उद्दीपक शरीर का हाव भाव। उद्दीपक परिवर्तन से तात्पर्य क्या है? शरीर का हाव भाव, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका। तो उद्दीपन परिवर्तन का अपना महत्व होता है भाषा शिक्षक के लिए। तो भाषा शिक्षक को उद्दीपन का परिवर्तन कौशल आना चाहिए, शरीर का हाव भाव परिवर्तन करने का कौशल आना चाहिए। एक एक पॉइंट को हम लेंगे। भाषा शिक्षक को अध्ययनशील होना चाहिए, यानी अपडेट होना चाहिए, आप समझ सकते हैं। भाषा शिक्षक को बालक के व्यवहारिक भाषा परिवेश का ज्ञान होना चाहिए, मतलब बालक के परिवेश में उसकी मातृभाषा आदि का ज्ञान बालक को, बालक के मातृभाषा का ज्ञान अध्यापक को होना चाहिए। भाषा शिक्षक के अंदर भाषागत परिवेश निर्मित करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी ऐसा माहौल वो क्रिएट कर सके जिससे बालक को भाषाई वातावरण मिल सके, भाषा बोलने के अवसर मिल सके। ऐसे तो भाषाई परिवेश निर्मित करने की क्षमता होनी चाहिए। भाषा शिक्षक समावेशी कक्षा का ज्ञाता होना चाहिए। समावेशी कक्षा में कई तरह के बालक हैं, तमिल भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा जानने वाले बालक हैं, तो कैसे उन्हें हैंडल किया जाए? भाषा शिक्षक को समावेशी कक्षा को हैंडल करने का, मैनेज करने का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। भाषा शिक्षक को बालक के पूर्व ज्ञान के आधार पर सिखाना चाहिए। अध्यापक को बालक के पूर्व ज्ञान का आकलन अवश्य कर लेना चाहिए ताकि आगे किस दिशा में और किस रूप में क्या चीज़ें बताना है, कैसे क्रमबद्धता बताना है, अध्यापक को इसका आकलन हो जाएगा। ये हमने बताया, भाषा शिक्षक उद्दीपन परिवर्तन कौशल यानी शरीर का हाव भाव के परिवर्तन के तरीके उसके होने चाहिए, हाथ के सही प्रयोग करने के तरीके, मतलब ये उद्दीपन कौशल, शरीर का हाव भाव, कहाँ पर जोर देकर बोलना है, छोटा भीम है ना, तो कहने में छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, मतलब इस तरह के शरीर के जो हाव भाव होते हैं वो आने चाहिए। भाषा कौशलों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों भाषा कौशल का समुचित प्रयोग करने का ज्ञान होना चाहिए। भाषा की पूर्णता व उसके परिमार्जन का ज्ञान होना चाहिए। भाषा की पूर्ण ज्ञान, पहली बात तो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं प्राथमिक कक्षा में भी उस भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, इसके साथ कोई समझौता नहीं, और उसके उस परिमार्जन का, उसके शुद्ध रूप में प्रयोग करने की क्षमता भी होनी चाहिए भाषा शिक्षक में। भाषा शिक्षक मनोदैहिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मन माने हो गया मानसिक और दैहिक माने हो गया शारीरिक, यानी मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से भाषा शिक्षक को क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। भाई अगर भाषा शिक्षक मान लीजिए हकलाता है, तुतलाता है, तो वो उसमें फिर प्रॉब्लम आएगी। मानसिक रूप से बीमार है तो भाषा शिक्षक कैसे सही तरीके से, उसका माइंड ही, उसका प्रेजेंट ऑफ माइंड ही बटा हुआ है, इधर उधर सोच रहा है, मानसिक रूप से कहीं और बिखरा हुआ है, तो कैसे वो सही तरीके से, तो मनोदैहिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। भाषा शिक्षक का दृष्टिकोण अवलोकनात्मक व क्रमबद्ध होना चाहिए, सही तरह से अवलोकन कर सके। अलग अलग छात्र होते हैं, अलग अलग परिवेश के छात्र होते हैं, अलग अलग माहौल से आए हुए छात्र होते हैं, तो उनका अवलोकन कर सके सही तरह से और
उन्हें क्रमबद्धता सही तरह से आगे बढ़ा सके। भाषा शिक्षक को साहित्य प्रेमी व रचनाकार होना चाहिए। बिल्कुल, भाषा शिक्षक, भाषा के प्रति जब आपके अंदर रुचि रहेगी, अगर आप साहित्य प्रेमी हैं तो आपके अंदर रुचि रहेगी, और जब रुचि रहेगी तो आप बड़े प्रेम से, बड़े भाव से आप पढ़ाएंगे, बहुत भाव से आप टीच करेंगे, इंजॉय करते हुए आप पढ़ाएंगे, और इसका आनंद भी बच्चों को आएगा, रुचि लेंगे बच्चे। तो भाषा शिक्षक पाठ्य सहग्रामी क्रियाओं का अच्छा संचालक होना चाहिए। देखिए, कुछ भाषा शिक्षक जो होते हैं, पाठ्य सहग्रामी क्रियाएँ जो होती हैं, को करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होते हैं, सह पाठ्यक्रामी क्रियाएँ, खेल कूद इत्यादि, उनमें भी भाषा शिक्षक की रुचि होनी चाहिए, खेल वगैरह में भी रुचि होनी चाहिए। बिल्कुल, इससे भी भाषा का विकास होता है। तो सह पाठ्यक्रामी जो क्रियाएँ होती हैं उसका भी अच्छा संचालक होना चाहिए और रुचि होनी चाहिए। भाषा शिक्षक को दृश्य सभ्य सामग्रियों के उचित प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल, भाषा शिक्षक को, चूँकि अलग अलग परिवेश से आए हुए बालक होते हैं, समावेशी कक्षाएं जो होती हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं छात्रों को, तो कैसे इनका प्रयोग किया जाए दृश्य सभ्य सामग्रियों का, ये ज्ञान तो भाषा शिक्षक को होना ही चाहिए। भाषा शिक्षक को अनुकरण द्वारा सीखने में निपुण होना चाहिए। भाषा शिक्षक को अनुकरण द्वारा सिखाने में, है ना, बालक मैक्सिमम अनुकरण करे। भाई देखो, भाषा शिक्षक जब शुद्ध बोलेगा, शुद्ध लिखेगा, तो बालक सही तरह से अनुकरण करेगा, और आप जानते हैं कि बालक जो है सर्वाधिक अनुकरण द्वारा सीखते हैं। तो अनुकरण मतलब ऐसा करें ताकि बालक भी सही तरह से उसे अनुकरण कर सके, ऐसे माहौल बनाएं कि बालक अनुकरण द्वारा सिखाने की स्थिति बना सके। तो बिल्कुल ऐसी स्थितियाँ, ऐसा परिवेश बनाना चाहिए, ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि बालक अनुकरण करने की स्थिति में आ सके, क्योंकि अनुकरण द्वारा सर्वाधिक भाषा का विकास होता है बालकों में। भाषा शिक्षक को शिक्षण का कार्य अभिप्रेरणात्मक ढंग से करने के कौशल का ज्ञान होना चाहिए। अभिप्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, कुछ ऐसी क्रियाविधियां अलग अलग तरह, कभी खेल करा दिया, कभी बालकों से अंतःक्रिया करा दिया, तो कहने का मतलब ऐसी स्थितियां ताकि वो मोटिवेट हो सके, अभिप्रेरित हो सके और भाषा के कौशल का विकास हो सके। भाषा शिक्षक का काव्य शिक्षण लयबद्ध व भावपूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल, जब आप अच्छे से गाएंगे, देखो आप जानते हैं कि कितना, अगर काव्य को गाया जाए तो कितना रुचिपूर्ण होता है, कितना अच्छा होता है, कितना अच्छा सुनने में, कितना अच्छा लगता है, मन लगा के मधुर गीत को सुनने में किसको नहीं अच्छा लगता है। गीत सुनने से मानसिक रूप से भी बेहतर होता है इंसान। तो भाषा शिक्षक को ऐसा भी होना चाहिए कि काव्य शिक्षण लयबद्ध तरीके से पूरा भाव और विचारों को सही तरीके से व्यक्त करें। देखिए, ये जो पॉइंट्स हमने आपको दिया, इन पॉइंट्स को ज़रूर आप माइंड रखिएगा। और कीवर्ड मैंने बताया कि भाषा शिक्षक को अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, अवसर देना चाहिए, प्रयोग करने के अवसर देना चाहिए, तमाम कौशलों का प्रयोग करना चाहिए, तमाम आप कह सकते हैं कि उद्दीपन परिवर्तन का कौशल करना चाहिए, यानी हाव भाव का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी स्थितियां बनानी चाहिए ताकि बालक अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे तरीके से भाषा को सीख सके और भाषा का विकास कर सके। ये फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो दी जा रही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षाओं में आते हैं, और अच्छा लगे तो ज़रूर आप अपने इष्ट मित्र और फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा, बताइएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप और संपर्क कर सकते हैं 8299-310097, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, और भी जो हेल्प चाहिए होगी आप बताइएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स मित्र और जो भी इष्ट मित्र हैं उन्हें भी आप दे सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।